सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनलता बड़बुत्ता आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म भी हमने स्टडी किया था। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को समझा था और हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि किस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ससेप्टिबल होते हैं और वो क्यों जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रिफर करते हैं। आज हम कुछ इन केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को समझेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। HCl हमारा होता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCl के दो पार्ट्स हम देखते हैं। HCl को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास H है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो हमारे पास CN है। तो किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड पे HCl का एडिशन होता है? तो मान लीजिए हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं इस तरह से, हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं। ये मैंने R या R ले रखा है। R कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब हमें इस कार्बोनिल कंपाउंड पे R और R डैश मान लेते हैं। इसको एल्काइल ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है। अब इस HCN का हमें एडिशन कराना है इस कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो सबसे पहले हमारे पास इस HCN से जो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ये आके इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। यानी ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। ये हमने इससे पहले की क्लास में स्टडी किया था। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। तो इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है इस तरह से शिफ्ट होगा तो हमें यहाँ पे ये साइनाइड के अटैक की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो HCN है, क्योंकि हम इसको HCN से अटैक करा रहे हैं, तो नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी चीज, है ना। तो इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। अगर मैं इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं आगे जाके, तो हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तीन स्टेप आई इसमें। एक तो है हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और फिर लास्ट में जो हमारे पास जो स्टेप आए, सबसे पहले है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और हमारे पास नेक्स्ट है एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास तीन स्टेप आई है। तो ये हमारा फर्स्ट तरह का एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, जिसमें हम साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन दिखाते हैं। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं, जैसे अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन। हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। आपको एक बार मैकेनिज्म अगर हम लर्न कर लें, तो इस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में हम जो है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हम सीख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन से पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे ब्रेक होता है और इसमें किस तरह से न्यूक्लियोफाइल बनता है, हम वो सीखते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। पहले ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट में टूटेगा, तो हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट लेते हैं। तो ये Na प्लस और प्लस HSO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप आएगी वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की टूटने की। उसके बाद जो हमारे पास ये एनायन बना है, फिर ये एनायन फर्दर ब्रेकेबल है, तो ये किस तरह से टूटेगा, हमारे पास ये टूटेगा H प्लस में और SO3 माइनस में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जो बना है, ये जाके कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो हमारे पास फर्स्ट अडेप्ट जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट, हमारे पास फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से। ये है हमारा कार्बन, ठीक है बच्चों। एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाके हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन है सॉल्वेंट में, उससे हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरह से है। और फिर जब इस सॉल्वेंट में जो बचे हुए जो, क्योंकि ये तो हमारे पास यूटिलाइज हो चुका है ये, और इसने जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया है, तो हमारे पास सॉल्वेंट में बहुत सारे Na आयन हैं। Na आयन्स जो है वो इस नेगेटिव जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और हमारा न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों, आपको बस कोई भी जो रिएजेंट है, अटैकिंग जो रिएजेंट है, उसको आपको ब्रेक करना है, उसका इलेक्ट्रोफाइल देखना है, उसका न्यूक्लियोफाइल देखना है, और उस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे जो है उसको अटैक करवाना है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना है, और लास्ट में एडक्ट का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट हम जो
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं वो देखते हैं एल्कोहल से। नेक्स्ट हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्कोहल्स। नेक्स्ट हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्कोहल। मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एल्कोहल से, यानी इसके पास R डैश OH कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। अब उसी तरह से क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, हम देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड है, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये और ये है हमारा पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करेगा, कुछ इस तरह से जो है इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इस इंटरमीडिएट में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले को जो है हमें ये इस तरह से मिलेगा। आगे जाके एक और एल्कोहल का ग्रुप जो है इसी तरह से फर्दर रिएक्शन के साथ हमें हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं एसिटिल, इसको हम कहते हैं एसिटिल, जहां पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे OR और OR है, तो इस तरह के जो हमारे पास जो कंपाउंड बना है उसको हम कहेंगे एसिटिल। अगर यहाँ पे हम लेते हैं कीटोन, अगर यहाँ पे हमने लिया कीटोन और हमने उसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहल से, तो उसी तरह से नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करके फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो भी यही रहेगा, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन फर्दर एक और एल्कोहल से होगी, और फिर एक और एल्कोहल से रिप्लेसमेंट तो हमें मिलेगा कीटल। इसको हम कहेंगे कीटल, ठीक है। तो एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है एसिटिल और एक में हमें मिलता है कीटल। अगर हमारे पास अगर एल्डिहाइड है तो हमें मिलेगा एसिटिल, और अगर हमारे पास कीटोन है तो हमें मिलेगा कीटल, ठीक है बच्चों। आगे की रिएक्शन हम देखते हैं वाटर के साथ। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ, रिएक्शन विद H2O। अब H2O को भी जो है हम H2O को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, H प्लस है OH माइनस में, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वाटर के साथ एडिशन जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें जेम डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है और जेम डाईऑल्स का फॉर्मेशन होता है। डाईऑल्स मतलब एक ही कार्बन पे दो जगह OH का लग जाना, मतलब जैसे कि इसमें जो रिएक्शन के साथ डाईऑल्स बनते हैं, और हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी एक कार्बन पे दो OH का हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो है एडिशन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से क्या है वाटर का यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है। तो इस वजह से इसमें जो अगर यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ अगर हम कोई
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं तभी जाके इसमें एडक्ट की फॉर्मेशन पॉसिबल है, नहीं तो इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे हम मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं जिसके साथ तीन क्लोरो ग्रुप जो है अटैच्ड है, हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई एल्डिहाइड है और इसके जो अल्फा पोजीशन पे ये जो कार्बन है उसमें जो तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जब वाटर के साथ इसका एडिशन करेंगे हम, इसके साथ वाटर का एडिशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, Cl, 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 और यहाँ पे रिएक्शन उसी तरह से होगी कि यहाँ पे गया OH, तो अगर हम इसके रिएक्शन पहले देखें, अगर सिर्फ फिजिक की स्टडी करें तो ये H है और इस H को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये OH ने सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड पे इसके कार्बन पे अटैक किया तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारे पास OH, ठीक है। फिर इस जो ये वाला जो O है इसने ये H वाला जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, यानी ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये H, ठीक है। तो हमें इस तरह की जो रिएक्शन है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इसमें तीन स्टेप हो रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और इसमें टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, ठीक है, तीन स्टेप हो गए। तो यहाँ पे जो इन तीन स्टेप के बाद हमें जो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिलेगा इस तरह से, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ H, ठीक है। तो अब हमें जो ये जो एडक्ट जो मिल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पे दो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये है हमारा जेम डाइऑल, ठीक है, ये जेम डाइऑल तरह का प्रोडक्ट है। अब अगर इस तरह के टेंडेंसी अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो है इधर की वजह इधर हो जाए ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से यहाँ पे जो है इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन के साथ इनकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन एक्चुअली फ्री नहीं है, हमें जो दिख रहा है वो ऐसे नहीं है, वो एक्चुअली हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, ये H है और ये क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्लोरीन की वजह से ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़े हुए हैं, है ना, इसीलिए ये जो है वाटर का एलिमिनेशन यहाँ नहीं हो पाता और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इसके जो है रीजन पूछा जाता है कि अगर ये जेम डाइऑल है तो इसमें वाटर का एलिमिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है हाइड्रोजन्स फ्री नहीं है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से हमें ये स्टेबल हाइड्रेट फॉर्म प्राप्त होता है। तो बच्चों ये थी कुछ हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में। आगे के आने वाले क्लासेस में हम और भी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।